अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी आज की। रेसिपी के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो हम आज बनाने जा रहे हैं चिकन चरवा, जिसके लिए सब में सबसे पहले इसमें चिकन में से कट्स लगा लेने हैं ताकि मसाला अंदर तक चला जाए। और फिर उसके बाद हमें चाहिए विनेगर चाहिए, और उसके अलावा इसमें हमें अदरक लहसुन और अदरक लहसुन और साथ में ऑनियन है, थोड़ा सा ऑनियन रखना है, उससे इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। और हमें इधर थोड़ा सा लहसुन और भी चाहिए, और साथ में आधा लेमन चाहिए, और ये साथ में चाहिए दही चाहिए। और दही के अलावा इसमें जाएंगे मसालों में, ये है कुटी हुई मिर्ची है, ये है नमक है, ये गरम मसाला है, अजवाइन बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है इसमें, और ये है सूखा धनिया और रेड चिली और तिक्का मसाला, ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। अब हम सबसे पहले चिकन को थोड़ा सा उसमें पानी में रखेंगे ताकि इसमें कुकिंग के प्रोसीजर में ये आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने एक बड़े से बाउल में पानी डाल दिया है, इतना पानी लेंगे कि हमारी बीच में चिकन डिप हो जाए। तो उसमें हमने सबसे पहले ये विनेगर डालना है, और साथ में ये लहसुन डाल लेना है जो हमने अलहदा से वो किया था, थोड़ा सा हाफ टेबल स्पून होगा। तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हमने इसमें चिकन ऐड कर दिए, और इसको हमने इतना 3 से 30 मिनट हमने इसको रखना है ताकि ये कुक के प्रोसीजर में आ जाए, क्योंकि हमने इसमें विनेगर डाला है। हम स्टार्ट करते हैं। अब हम एक दूसरा अलहदा से छोटा सा बाउल, दोबारा से छोटा बाउल लेके, तो उसमें हम शामिल करेंगे ये दही, और ये सारे मसाले डाल लेंगे। साथ में ये अदरक लहसुन और ऑनियन जो है प्याज वो भी डाल देंगे, और साथ में ये कलर जो है कलर डाल देंगे। आपकी मर्जी, आप रेड यूज़ करना चाहते हैं, ऑरेंज यूज़ करना चाहते हैं, जो अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर लें। मेरे पास ऑरेंज कलर अवेलेबल था, तो इसमें मैं डाल लूँगी लेमन डालूंगी। अभी हम इसे मिक्स कर देंगे। के बाद मैंने चिकन को पानी से निकाल के, तो पहले से जो मैंने बनाया वो मसाला था, तो मैं इसको लगा दूंगी। ये कट्स में पहले लगा देना। मसाला लगा के तो इसको ओवरनाइट छोड़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, और अगर बहुत जल्दी है तो कम से कम 2-3 घंटे तो इसको लाजमी छोड़ना चाहिए, ताकि मसाला इसमें अच्छी तरह से रच बस जाए। इसे मैंने मसाला अच्छी तरह से लगा दिए, आगे पीछे भी कर देख लें, अंदर भी बीच में। चलिए, मेरे पास तो टाइम ज़्यादा नहीं है, तो मैं इसको कम से कम 2-3 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। मैंने अच्छी तरह से रैप कर लिया ताकि मैं फ्रिज में रखूं और इसका मसाले की खुशबू और किसी चीज़ को ना लें। अब चिकन की मैरिनेशन के बाद मैं इसको एल्यूमिनियम फॉइलर में रख दूंगी स्टीम करने के लिए, रख के सारा मसाला भी साथ में डाल देंगे।
और इसको मैं बना दूंगी, इसको मैं हाफ डन कर दूंगी। रबड़ हो ना घर में कोई गम्स हो तो उसे रैप करके देखिए, मैं अभी स्टीम कर दूंगी और इसका मैं डन कर दूंगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये मैंने चलवा को स्टीम करके तो अभी मैं इसको फ्राई करूँगी ऑयल में, तो ये साथ में मैंने ऑयल भी ले लिया तो इसको मैंने गर्म कर लिया, तो अभी मैं इसमें इसको फ्राई करूँगी। इसे मैं अभी अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, इसे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्टीम किया हुआ है, लेकिन फ्राई करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। अच्छे हमने चारों तरफ से डन कर लिया, अभी इसे हम निकाल लेंगे अच्छी तरह, चारों तरफ से हमने डन कर लिया, तो ये हमारा तैयार है। अच्छा हम इसको निकाल देते हैं, इसे भी अच्छी तरह निकाल रखते हैं, ये हमने अभी निकाल लिया है, तो आप देखें बहुत हमारा इजी आसान सा घर में बनाने वाला चरगा तैयार हो गया है, तो आप भी अपनी फैमिली के लिए बनाइएगा और मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।